हाय गाइस, मैं हूँ मेघा और स्वागत है आपका पॉकी मिक्स हिंदी में, जहाँ हम बात करते हैं ऑल अबाउट फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, मॉमी टॉक्स। सो गाइस, दिस इज़ एन अपडेटेड हैंडबैग्स कलेक्शन वीडियो, और मैंने बहुत टाइम पहले अपना फुटवेयर एंड हैंडबैग कलेक्शन वीडियो दिखाया था, दैट वाज क्वाइट ओल्ड। और अब उसके बाद से आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ बैग्स, तो मैंने सोचा लेट्स शेयर माई अपडेटेड कलेक्शन विद यू गाइज। सो दिस इज़ अनदर वीडियो ऑफ इनसाइड माई वार्डरोब, जहाँ मैं आपको अपने डिफरेंट डिफरेंट कलेक्शन दिखाती हूँ। तो बहुत सारे एपिसोड्स हो चुके हैं इसमें, तो आप प्लेलिस्ट में जाके मेरे इनसाइड द वार्डरोब में देख सकते हैं। वहाँ मैंने अपना ब्लैक कुर्ती कलेक्शन, व्हाइट कुर्ती, एथनिक स्कर्ट्स एंड ऐसे ही बहुत कुछ यू नो वॉचेज एंड और कुछ कलेक्शन किए हुए हैं इनसाइड माई वार्डरोब सीरीज में, सो यू कैन चेक इट आउट। सो इससे पहले कि हम वीडियो की तरफ पढ़े, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है पर्की वेक्स। वहाँ आप मेरी स्टोरीज, अपडेट्स एंड यू नो फैशन पोस्ट देख सकते हैं। तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है पर्की मेक्स, टू फॉलो मी देर। एंड चलिए अब लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो गाइस, जब से मैं मॉम बनी हूँ ना, मेरी बैग्स की जो प्रायोरिटी है वो चेंज हो चुकी है फ्रॉम नॉर्मल यू नो हैंड बैग्स एंड टोट्स टू स्लिंग बैग्स, क्योंकि मुझे अपने हैंड्स फ्री रखने पड़ते हैं नर्वों के लिए। सो लेट मी शो यू फर्स्ट द हैंड बैग्स जो मैं सबसे ज़्यादा अभी यूज़ कर रही हूँ। सो फर्स्ट वन इज़ दिस हैंड बैग जो मैंने यू नो लिया है फ्रॉम ज़ारा, और ये मैं अपने बहुत सारे वीडियोज़ में आपको दिखा चुकी हूँ। इसकी मैं सबसे अच्छी बात ये लगती है कि ये टॉप हैंडल भी है, तो मैं इसे ऐसे भी ले सकती हूँ यू नो जब ड्रेसी लुक चाहिए होता है, एंड मैं इसे स्लिंग बैग की तरह भी यू नो ले सकती हूँ वेन एवर आई नीड इट। सो मुझे ये बैग बहुत ज़्यादा पसंद आया, एंड दिस वॉज फ्रॉम ज़ारा। ये मैंने लास्ट ईयर लिया था एंड इसको मैंने ऑलमोस्ट अपने हर लुक में पहना है। नेक्स्ट जो मेरा सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला बैग है, दैट इज़ द स्टैंड बैग, छोटा वाला। दिस इज़ अगेन अ स्लिंग बैग, वही वाला पैटर्न है, चेन एंड यहाँ पे यू नो शोल्डर के लिए ये लेदर स्ट्रैप दिया हुआ है। दिस इज़ वेरी एप्ट साइज फॉर मी, एकदम छोटू सा है, मैं इसको स्लिंग बैग की तरह ले लेती हूँ। ये इस तरह ओपन होता है, यहाँ चेन है, तो काफ़ी सारा सामान भी आ जाता है, मेरे जो एसेंशियल्स हैं। एंड देन नबू का तो एक अलग ही पूरा बैग रहता है, डाइपर बैग। सो दिस इज़ माई बैग, एंड इसको भी मैं आजकल बहुत ज़्यादा वेन एवर आई गो आउट मैं इसको सबसे ज़्यादा करती हूँ, एंड कुछ यू नो नॉर्मल डेली चोर्स के लिए, एंड जब मुझे किसी यू नो फैमिली इवेंट वगैरह में जाना था तो मैं ये वाला यूज करती हूँ थोड़े से यू नो ड्रेसी लुक्स के लिए। ओके, नेक्स्ट जो मुझे बैग्स आजकल बहुत ज़्यादा पसंद है, दोज आर बेल्ट बैग्स, जिन्हें बम बैग्स ही बोलते हैं। उन्हें आप सिंपल अपनी वेस्ट पे लगा लेते हैं इस तरह से। सो दिस इज़ द फर्स्ट बैग। ये अच्छा, जो लास्ट बैग है वो भी मुझे याद नहीं है, बहुत ही पुराना मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, एंड दिस बैग इज़ फ्रॉम शी इन। ये मैंने शीन से मंगवाया था, एंड चीन इज़ नाउ नॉट अवेलेबल इन इंडिया क्योंकि वो बैन हो चुकी है, बट उसमें से मैंने मंगाया था, एंड दिस इज़ रियली नाइस वर्सेटाइल। ये मैं अभी अपने यू नो हॉलीडे ये मैं अभी आउटिंग पे गई थी, तो मैंने पिक्चर्स लगाई थी अपने रेड स्वेटशर्ट एंड जीन्स के साथ, मैंने पहना था बिकॉज अगेन हैंड्स फ्री बच्चे के साथ ज़रूरी होता है, एंड बहुत स्टाइलिश भी लगता है ये। एंड वन टिप, अगर आपकी टमी है तो ये टमी को भी छुपा देता है, क्योंकि आधा जगह ये बैग आ जाता है, तो ऐसा यू नो इल्यूजन होता है कि आपकी जो वेस्ट है वो कम है, तो टमी फैट छुप जाता है। सो दैट्स वाई ऑल्सो आई लाइक दिस, एंड इसमें मेरी एसेंशियल सारे छोटे छोटे से आ जाते हैं, नॉट मच, मतलब कोम वोम कुछ नहीं आता है, सिर्फ मोबाइल, छोटा वॉलेट एंड वो सब आता है। तो कोम तो मैं वैसे भी ले जाती हूँ क्योंकि नबों के साथ टाइम ही नहीं मिलता। सो दिस इज़ द फर्स्ट बैग। सो नेक्स्ट वन इज़ दिस बैग जो मैंने लिया था फ्रॉम मिंत्रा, फ्रॉम दिस ब्रांड मैंगो। ये एक न्यूड जो है बेल्ट बैग है, एंड अगेन इसको मैं अपनी इंडिगो ड्रेसेस के साथ या यू नो पेस्टल आउटफिट्स के साथ पहनती हूँ, एंड इट लुक्स रियली नाइस। एंड अगेन इसमें मेरे एसेंशियल्स आ जाते हैं, एंड बहुत सारी चीज़ें नहीं आती इसमें क्योंकि छोटा है, बट अगेन एसेंशियल्स आ जाते हैं। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। बेल्ट बैग्स में सबसे अच्छा ये लगता है कि आप इसे ऐसे भी ले सकते हैं, यू नो शोल्डर पे आप इसे बेल्ट ऐसे बेल्ट भी यूज़ कर सकते हैं, तो ट्रैवलिंग के लिए भी दीज बैग्स आर रियली गुड। थोड़े से बड़ा साइज लीजिए ट्रैवलिंग के लिए, ताकि थोड़ा सा ज़्यादा सामान आ जाए, बट ओनली एसेंशियल्स लाइक योर वॉलेट, योर मे बी वन लिपस्टिक एंड आपका मोबाइल फोन, कुछ टिश्यू पेपर्स, दैट्स इट। सो ब्लैक एंड न्यू मेरे पास दो कलर्स हैं, एंड दे आर गुड टू गो, सबके साथ चल जाते हैं। नेक्स्ट वन इज दिस वेरी ड्रेसी काइंड ऑफ बैग जो मुझे एक ब्रांड ने भेजा था, विच इज रचनात्मक डिजाइंस। तो ये इस तरह सा मार्बल काइंड ऑफ अ बैग है, एंड दिस इज हाउ इट लुक्स। इसको आप इस तरह काइंड ऑफ अ स्टेटमेंट बैग है, आई वुड से आप इसको लहंगे वहंगे के साथ ले सकते हैं, एंड अंदर से इट इज लाइक दिस। सो दिस इज हाउ इट लुक्स।
नेक्स्ट है दिस लिलैक बैग जो मैंने स्पेशली पार्टीज के लिए लिया है. हम लोग एक फैमिली इवेंट में गए थे तो ये मेरी मदर इन लॉ ने भी ले लिया था बिकॉज वो अपना पार्टी वाला बैग ही लाए थे एंड उनको ही काफ़ी पसंद आया जब मैंने दिया. तो इनकी भी साड़ी के साथ अच्छा लगा एंड यू नो सूट्स ड्रेसेस के साथ भी काफ़ी अच्छा लगा गया. लैवेंडर लिलैक कलर इज क्वाइट इन ट्रेंड राइट नाउ तो इसलिए मैंने लिया. एंड ये जो पर्ल डिटेलिंग है इसके यू नो इसमें स्ट्रैप में सो ये इसको बहुत ही डेलिकेट लुक देती है एंड आई थिंक ये सूट्स एंड साड़ीज़ के साथ भी बहुत अच्छा लगेगा. सो ये मैंने अमेजोन से लिया था. पार्टीज के लिए मैंने एक और बैग रिसेंटली लिया था, पर्ल बैग. दिस वॉज ऑल्सो फ्रॉम अमेजोन. तो अमेजोन में आपको काफी अफोर्डेबल ऑप्शंस मिल जाएंगे एंड यू कैन यूज देम जब तक आपको पसंद आए. सिंपल सा पर्ल बैग है, स्टिफ है, इसमें ऐसी चेन है तो आप इसमें अपना यू नो वॉलेट वगैरह ले सकते हैं. इसको भी मैंने एक फैमिली इवेंट में लिया था विद माई सूट एंड यू नो ऐसे पकड़ सकते हैं विद यू नो योर ड्रेसेस. सो इसलिए मैंने मुझे एक पर्ल बैग चाहिए था काफी टाइम से तो मैंने इसलिए ये लिया. ऑल्सो गाइज टू न्यू बैग्स मैंने लिए थे स्पेशली फॉर द वेडिंग सीजन, वेडिंग एंड पार्टी एंड फेस्टिव सीजन. तो मैंने वो आपको अपने वेडिंग हॉल में दिखाया था एंड दे वर फ्रॉम दिस ब्रांड लिटिल शॉप बाय मेघा. तो मैं क्लिप इंसर्ट कर दूंगी. सो फर्स्ट वन इज दिस ब्यूटिफुल पर्ल टैसल वाला बैग. दिस इज वेरी वेरी क्लासी क्लच एंड ये आई थिंक मेरे सारे आउटफिट्स के जा जाएगा. एंड सेकेंड वन इज दिस ब्यूटिफुल गोल्डन क्लच. ये जो है आप एज अ चेन भी ले सकते हैं, एज अ यू नो हैंड टॉप हैंडल बैग भी ले सकते हैं. सो दीज टू बैग्स आई रियली love, these are my recent purchase and ये मेरे updated bag collection में add on हो गए हैं and I just love them. मुझे ये दो bags बहुत ज़्यादा पसंद हैं. Last ones are the trendy Y2K bags जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं. तो मैंने ये कुछ local shop से लिए थे. First one is this you know pale blue pastel blue color bag. ये आजकल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, इनको आप ऐसे ले लीजिए jeans के साथ and they look really stylish you know college वॉलेज में भी. So this is the first one. Simple है, इसमें chain है, you know छोटू सा ये बैग है. सो ये मैंने लोकल शॉप से लिए थे एंड दीज वर रियली अफोर्डेबल, मतलब 300-400 की रेंज के थे. सो फर्स्ट वन इज बिकॉज ये एक ट्रेंडी बैग है, मैं इसमें महंगे में इन्वेस्ट नहीं करना चाहती थी बिकॉज ट्रेंड आता और जाता है. सो दीज विल लुक रियली नाइस विद माई कैजुअल वेयर, नो जीन्स स्पोर्टी आउटफिट्स के साथ अच्छा लगेगा ये. नेक्स्ट वन इज दिस बैग जो यू नो कॉम्बो ऑफ टू में आया था. सो ये छोटू वाला है, बड़े वाला है, अगेन यू नो ट्रेंडी कलर्स में. ये एक्चुअली समर के लिए लिए हैं मैंने, समर सीजन में ऐसे अच्छे लगते हैं मेरे वो पेस्टल आउटफिट्स. सो दिस इज़ अ येलो वन, बड़ा वाला, एंड दिस इज़ अ छोटू वाला जिसमें इस तरह का यू नो चेन आया है. सो ये भी यू नो ऐसा है, इसका ये हट भी सकता है सो आप इसको एज अ पाउच भी यूज़ कर सकते हैं. सो दीज आर दीज ट्रेंडी काइंड ऑफ बैग्स. सो गाइस दीज वर ऑल द न्यू बैग्स जो मेरे बैग कलेक्शन में अपडेट हो गए हैं, पुराने वाले तो हैं ही. सो इफ यू वॉन्ट टू चेकआउट माई यू नो ओल्ड वीडियो ऑन माई ओल्ड बैग कलेक्शन तो आप वो चेकआउट कर सकते हैं. उसमें बहुत सारे क्लच बैग्स एंड नॉर्मल बैग्स थे, सो यू कैन चेक दैट आउट. बट क्योंकि अब मैं नीदर आई गो आउट फॉर वर्क इन कोविड में, मैं घर पर ही रहती हूँ एंड यू नो आई हैव ऑल्सो बिकम अ मॉम. तो मैं अब बड़े टोट्स प्रेफर नहीं करती, ना मैं ऑफिस बैग्स प्रेफर करती हूँ बिकॉज दे नो लॉन्गर सर्व माई पर्पज बिकॉज आई एम अ फुल टाइम यूट्यूबर नाउ. तो मैं घर पर ही रहती हूँ सो इजीलिए आई लव नाउ छोटू वाले मिडिल साइज स्लिंग बैग्स, वो मेरे फेवरेट हैं एंड द बम बैग्स वो मेरे फेवरेट हैं. ऑल्सो गाइज आई एम प्लानिंग टू परचेज माई फर्स्ट लग्जरी बैग. आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इट. मैं बहुत सारा रिसर्च कर रही हूँ एंड आई हैव वर्क्ड रियली हार्ड फॉर इट एंड आई थिंक आई डिजर्व इट. सो फिंगर्स क्रॉस्ड. सो गाइज सीधा आज का वीडियो, आई होप यू आर लाइक्ड इट. अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो डू गिव इट अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू पोकीमेक्स हिंदी. ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोज के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए फॉर ऑल द क्विक फन. मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है पोकीमेक्स. मिलती हूँ आपको अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में. फील ब्यूटीफुल, बी स्टाइलिश. बाय बाय.